अमेठी से हालत खराब हो गई उनकी। स्मृति ईरानी उनको जोरदार टक्कर दे रही हैं। वो साला पप्पू का पप्पू ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि केरल से ही उनका सपोर्ट है, इस वजह से केरल से ही जीत सकते हैं, अन्यथा और कहीं भारत से बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। लड़ रहे हैं, डर की वजह से लड़ रहे दोस्तों। हाँ, स्मृति ईरानी से डर गए? हाँ, बिल्कुल डर गए। कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। ये तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ जी, लेकिन बनेंगे नहीं वो। राहुल गांधी जी की फैमिली विदेशी है, उनकी तो फैमिली विदेशी है सारी। गांधी को लगते देशभक्त है और कांग्रेस को करारा जवाब दिया जाएगा। ये भी लगता है कि इनका जमानत जब्त न हो जाए राहुल गांधी की। मोदी हिंदुस्तान ही है, हमारा हिंदुस्तान है, जो कुछ है राहुल गांधी कुछ नहीं है, मोदी जी हमारे जो भी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं भूखा मार दे मोदी, मैं जीतेगा मोदी। हमें तो मोदी पसंद आता है, मोदी बढ़िया आदमी, वो गरीबों की मदद करता है। आप बताइए आप किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ अब केरल से भी लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अमेठी से हालत खराब हो गई उनकी। स्मृति ईरानी उनको जोरदार टक्कर दे रही हैं। वो साला पप्पू का पप्पू ही रहेगा, ठीक है? कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए है कि वो पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। वो कभी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ओनली नरेंद्र मोदी। तो दो जगह से लड़ने की वजह क्या है? क्या वो नरेंद्र मोदी से डर गए? स्मृति ईरानी वहाँ से लड़े तो उनको डर है कि वो अमेठी से हार ना जाए? बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि केरल में जो है गाय काटी जाती है। कांग्रेस की जो है बुरी पॉलिटिक्स है, बहुत ही खराब पॉलिटिक्स है, हिंदी विरोधी पॉलिटिक्स, सेना विरोधी पॉलिटिक्स, इसीलिए वो डर के केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो वहाँ भी हारेंगे और फिर से जो है, मैं गवाह हूँ इस बात का, आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे इन देश के। सपा बसपा के बारे में क्या राय है आपकी? अरे ये क्यों पीछे हट गई है अब लोकसभा चुनाव लड़ने से? ये बताइए, जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखेगा? हमसे ज्यादा बेहतर जानकार हैं आप। तो आप बताइए जनता क्यों ऐसा बोल रही है? वो बोल रही है अगर जीत गए और मतलब थोड़ा वोट आ गया तो लड़ लूंगी। अरे ठीक है, शेख चिल्ली का ख्वाब देख रही है वो। आप क्या बोलेंगे? मैं तो मोदी के बारे में बोल रहा हूँ। मोदी के बारे में? राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ आप बोल रहे हैं वहाँ से भी लड़ रहे हैं, क्या बोलते केरला से, तो क्या राय है? चोर है राहुल गांधी सीधा। राहुल गांधी चोर है? चोर है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा? नहीं, कभी नहीं। अमेठी से जीत पाएंगे? राहुल गांधी बन जाएगा, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप बताइए। नहीं नहीं, आप बताएं, बंदर कभी अदरक का स्वाद जाना है? अच्छा, आप ये कहेंगे? क्यों और क्या कहेंगे? वो अमेठी से भी लड़ रहे हैं, साथ साथ आप बोल सकते केरल से भी लड़ रहे हैं, तो क्यों अमेठी या दो दो जगहों से लड़ रहे हैं? क्यों पैसा देकर स्मृति ईरानी से डर गए हैं? चीज बताएं हम, अगर नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव ना करा के निर्दलीय प्रधानमंत्री बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल खर्चा बच जाएगा क्योंकि वो जीतेंगे। कोई माई का लाल हरा नहीं सकता पूरे भारत में। तो आप फिर राहुल गांधी बहुत बोल रहे हैं प्रधानमंत्री चोर है। बोलने को तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये चोर है, ये चोर है, सब चोर थोड़ी हैं। ईमानदार कौन है? आप बताइए, आप बताइए ईमानदार कौन है? मोदी। मोदी? हाँ, मोदी। वो चोर चोर कह रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? वो चोर नहीं है, वो बाबा जी है। बाबा एक और चीज, राहुल गांधी दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं, कमेटी से और एक केरल से, क्या मानते हैं क्यों लड़ रहे हैं दो जगह चुनाव? ये कांग्रेस पार्टी है, कुछ छोड़ के गए यहाँ पे? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गई थी यहाँ पे, गई थी कांग्रेस पार्टी। अब वो उसके पास है नेता लड़ रहे हैं, किसी लड़ रहे हैं वे, मगर उनके देश लड़ने नहीं, उसके पास की नहीं है। अमेठी में विकास नहीं हुआ, उसके बाद क्या डर है उन्हें कि स्मृति ईरानी टक्कर देंगी, या वो सोच रहे हैं कि दो दो जगह से जीतेंगे? वो कांग्रेस पार्टी डरा रही है हमें, डरा रही है हमें, मोदी को डरा रही है। हाँ, डरा रही है हमें, मगर डरने वाली नहीं है। अरुण जी, नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल भी नहीं। आपके दोस्त बोल रहे हैं नहीं करेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? जाएगा कहाँ, ठूस ठूस के ले चलेंगे वोट दिलवाने। इसकी तो औकात नहीं है, जबरदस्ती ले जाएंगे। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी को। नहीं, मैं मोदी को बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कांग्रेस। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ जी, लेकिन बनेंगे नहीं वो। वो बनेंगे नहीं ना, उन्हें पता कंफर्म। ठीक है, राहुल गांधी दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आप समर्थक है उनके अमेठी और केरल से, आप बताओ स्मृति ईरानी से डर गए हैं क्या? वैसे जीतेंगे तो मोदी, क्योंकि उन्हें राजनीति ऐसी आती है। जीतेंगे तो मोदी, उन्हें राजनीति ऐसी आती है। आपके सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी पुलवामा में हमला हुआ उसका बदला जो प्रधानमंत्री ने लिया है ना, वही बहुत है देश के लिए। तो राहुल गांधी जी लगाकर बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? किसको? कौन? राहुल
गांधी आतंकवाद आतंकवादियों सपोर्ट कर रहे। राहुल गांधी जी की फैमिली विदेशी है, बोलने का ही ढंग नहीं है। उनकी तो फैमिली विदेशी है सारी। गांधी को लगता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का फेवर करके यहाँ के मुस्लिमों का वोट लेकर के हम सत्ता में आएंगे। उनकी गलतफहमी है। यहाँ का एक एक वासिंदा जो है देशभक्त है और कांग्रेस को करारा जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आज भी यही है, जो पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया है वो इतना एक्शन हर किसी के बस की नहीं है। राहुल गांधी दो जगह से लड़ रहे हैं और आतंकवादियों को जी लगा कर भी कह रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी डर गए हैं? डरे हुए हैं मैडम, बिल्कुल। स्मृति ईरानी इस बार उन्हें हरा देगी अमेठी में? बिल्कुल हराएंगी, एकदम हराएंगी मैम। ये भी लगता है कि इनका जमानत जब्त न हो जाए राहुल गांधी की, आप क्या कहेंगे? क्या बताएं, बोलेंगे राहुल गांधी आतंकवादियों को जी लगाकर बोलते हैं और आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। सपोर्ट कर लो मोदी, हरल मोदी, हरल मोदी, हरल मोदी, मोदी तो मोदी रहेगा। मैं आपसे आज राहुल गांधी के बारे में बात करूँ, राहुल गांधी ने फैसला किया दो जगह से चुनाव लड़ेंगे अमेठी और केरल से, क्या लगता है आपको क्या जीत पाएंगे? पाएंगे क्या बोल सकते हैं? स्मृति ईरानी उन्हें टक्कर देगी? उनको लगता हो हमारा कुछ नहीं लगता हो, राहुल गांधी हमारा कुछ नहीं लगता, हम हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदुस्तान है जो कुछ है, राहुल गांधी कुछ नहीं, मोदी जी हमारे जो भी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राहुल आप क्या बोल रहे हैं? तो जीतेंगे वो कहीं से जीतेगा, हमारे वो तो जीत जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जीतेगा, 1% भी नहीं जीतेगा। जमानत और जब्त करवा, जमानत और जब्त होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ जी, आपके बोलते क्या स्मृति ईरानी से डर गए हैं राहुल गांधी, दो जगह से लड़ने का सोचा? डर गए मैडम, दो जगह से लड़ने का सोचा, तो कहाँ बोल सकते हैं उनकी सीट आएंगी, कितनी आएंगी, क्या कुछ कह नहीं सकते मैडम। बंदा पहले कंफर्म नहीं है कि एक जगह से जीतूं या दो जगह से जीतूं। आदमी बैकअप सपोर्ट तो लेके चलता है, वो लेके चल रहे, क्या पता कहीं ना कहीं तो टक्कर लगेगी। फैसला लिया है मोदी, मोदी ना मोदी भूखा मार देगा ना, वो मंजूर है, पर जीतेगा मोदी। क्या बोल रहे हैं? बाकी पार्टी के विपक्षी नेता भी तो हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। मैं भूखा मार दे मोदी, मैं जीतेगा मोदी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? हम तो उग्रवादी, उग्रवादी। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। उधर पहले ही भाग रहे, मुझे भागे राहुल, राहुल क्यों भाग रहे? मुकाबले में का बहुत बुरा गए, इसका मतलब तो यही है कि दूसरी जगह हार की वजह से भाग रहे हैं। अमेठी में भी लड़ रहे हैं, केरल में भी लड़ रहे हैं, तो बैकअप ऑप्शन क्यों? डर गए हैं स्मृति ईरानी से? भाग रहे दो जगह लड़ रहे हैं, डर की वजह से लड़ रहे दो जगह। हाँ स्मृति ईरानी से डर गए? हाँ बिल्कुल डर गए। तो आपको क्या लग रहा है कहीं जीत पाएंगे? भाग्य जब कह सकते हैं केरल में, वो इसलिए जीत सकते हैं वहाँ पे कांग्रेस का ज्यादा वो है, सेम साइड लेकर चल। हाँ आप क्या कहेंगे केरल में जीत पाएंगे? वहाँ पे है उनके लिए चांस, भाई वहाँ पे चांस, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। आप क्या कहेंगे? वो डर की वजह से दो जगह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है कि बच्चा हर बार पास हो जाए, उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए वो डर की वजह से दो जगह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप क्या बोल रहे? पप्पू पास हो गया, वो पास हो गया केरल से, हो जाएगा आपको लगता है? क्यों देशभक्त नहीं है वहाँ? मैडम केरल में देशभक्त है, बनानी तो आती नहीं है। केरल में क्या चलता है तुम्हें पता है? कांग्रेस का वहाँ चल रहा ना वो। अरे भाई साहब, यार वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, वो नहीं, वहाँ भी अभी जो पुलवामा में इतना हमला का बदला लिया है, केरल वाले नहीं जानते? केरल वाले सब जानते हैं, बाकी वहाँ पे जो है ना वही है। केरल का कोई बंदा नहीं है क्या आर्मी में? क्यों मुसलमान के सपोर्ट नहीं करेगा आर्मी को? क्यों नहीं करेगा? क्या बोल रहे हैं? देखो ये तो गलत है कि मुसलमान भी बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान की, सबकी है आर्मी, सबकी है। तो जो आर्मी में क्वेश्चन उठाएगा, सवाल पूछेगा कि आर्मी ने एयर स्ट्राइक करी या नहीं करी, क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएगा? नहीं बनेगा, नहीं वो कहाँ बन पाएगा जब उसने स्ट्राइक, आर्मी के खिलाफ कोई भी एक्शन वो उठाता है, ऑप्शन उठाता है, तो उसको एक हम खुली चेतावनी दे रहे हैं, वो आनंद विहार आ जाए, उसको हम ऑप्शन लेना बताएंगे कि आर्मी पे ऑप्शन कैसे लेते हैं। आर्मी इतनी मेहनत कर रही है, पूरी रात दिन लगी रहती है इस देश की जनता के लिए, हमारे इतने अभी 40 सैनिक एकदम शहीद हो गए, वही तो सुला रही है। किसी के माने वो किसी के बेटे नहीं है क्या? रहने वाला आदमी चाहिए, रक्षा करने वाला, वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, बाद वांगी किसी के बस की नहीं है। एकदम देश में आई है, आगे और बढ़ते हैं, लोगों से पूछते क्या कहेंगे? जंगल में शेर एक ही होता है, कभी शेर जंगल का राजा नहीं बनता, शेर ही जंगल का राजा बनता। आगे पूछते हैं और लोगों से चलते हैं, क्या राहुल गांधी बन पाएंगे?
कभी नहीं बन पाएंगे, कभी। नाम क्या आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार है, अब क्या राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो दो जगह से लड़ेंगे, अमेठी और केरल, तो क्यों ऐसा सोचा है? क्योंकि केरल से ही उनका सपोर्ट है, इस वजह से केरल से ही जीत सकते हैं, अन्यथा और कहीं भारत से भी बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। केरल से क्यों जीत सकते, क्या सपोर्ट केरल में? क्योंकि वो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों को जो सपोर्ट करते हैं इसी वजह से वो केरल से जीतेंगे। अच्छा, अन्यथा वो स्मृति ईरानी से अमेठी में जो उनका गढ़ माना जाता है उधर से डर गए हैं, वहाँ से भी डरे हुए हैं। अपना गढ़ से क्यों डरे, अपने घर से ही भाग रहे हैं? अपने घर से ही भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि इस बार मोदी ही आएगा। खत्म है कांग्रेस का कोई वो नहीं है कहीं, बिल्कुल खत्म है जी, बिल्कुल। उन्होंने केरल से लड़ने का फैसला क्यों लिया, क्या लगता है? अगर केरल में चांसेस है उनके, केरल में चांस, तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं, प्रधानमंत्री कोई चांस नहीं है। हमें तो मोदी पसंद आता है, मोदी बढ़िया आदमी। क्यों मोदी पसंद है? वो गरीबों की मदद करता है, वो गरीबों की बात करता है। कोई मदद करी आपकी? बहुत कर दिया, आधार कार्ड बनवा दिया, जीरो बैलेंस का खाता खुलवा दिया, और भी चीजें हैं उनको सुविधा दे रहे हैं। गरीब आदमी को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं वो। अच्छा, मतलब आपकी तरक्की हो रही है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के बारे में? हमें नहीं पता उनके बारे में, नहीं पता। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो अमेठी से लड़ेंगे, हमें नहीं पता। हमें तो चारों तरफ मोदी का हल्ला दिखाई देता है, मोदी मोदी, हाँ, ये चारों तरफ आदमी मोदी मोदी चिल्लाते हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी, दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी और साथ साथ केरल, क्या कहेंगे, जीत पाएंगे? मैं तो कुछ नहीं कह पाता हूँ क्योंकि ये राजनीतिक की बातें हैं। देखिए, अपना अपना वो है इन लोगों का। आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? उनके कार्यकाल में जो भी हुआ है वो देखें कि क्या उन्होंने काम किए हैं, उस विषय में अगर कार्य सही होंगे तो प्रधानमंत्री के लिए। अभी क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जहाँ तक है मोदी बनेंगे। तो राहुल गांधी अब बोल सकते हैं अपना गढ़ छोड़कर दूसरी जगह केरल जो है उधर से चुनाव लड़ने की बात करें, तो क्या स्मृति ईरानी से डर गए हैं? कोई किसी से नहीं डरता, ये अपने अपने काम कार्य में भरोसा है, उन लोगों को अपने भरोसे से काम करते हैं। राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे थे और अब वो केरला से भी लड़ने का फैसला किया है, तो क्या राहुल गांधी को समर्थन करेंगे? नहीं, बीजेपी को करते हैं, बीजेपी से लगाव है मेरा पहले से ही, पहले से बीजेपी, सन सत्तर से बीजेपी। लगाव भी हो लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं खाली, जो राहुल गांधी है उन्होंने अमेठी में विकास तो किया नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या हाल है सड़कों का और सब? ठीक ही है, पहले से तो बेहतर ही है, मैंने सुना अमेठी में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वो केरला से भी लड़ रहे हैं, तो क्या टक्कर दे पाएंगे और बन पाएंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? पहले रह चुके 60 साल, पहले 60 साल से कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे? अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अब क्या बनेंगे? तो बोलने को तो हर कोई बोल देता है, कोई भी बोल देता है मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ऐसा बन थोड़ा ही पाएगा। गठबंधन के बारे में क्या राय है आप? गठबंधन तो वो तो वैसे ही बट गया आपस में, बट गया, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। मायावती ने फैसला लिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो कहती थी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, इस पर क्या राय है? कुछ नहीं होने वाला है, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या कहेंगे केरल से लड़ने की वजह क्या हो सकती है? क्या उनको डर है कि स्मृति ईरानी इस बार मार दे देंगी? भाई उनकी तो राजनीति का काम है, कभी कोई से भी लड़ते हैं, कभी कोई से लड़ते हैं, उधर का तो काम होता है। आप किसको सपोर्ट करती हैं? है? किसको कर, जो गरीबों की सहायता करेगा हम उसके साथ है। तब भी कौन सा ऐसा है कि अब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो किसको वोट देंगे प्रधानमंत्री, किसे बनाएगी जनता? अब जनता के ऊपर बात है, वो तो जिसको जन किसको देंगे मैम? हैं? आप किसको देंगे? वो हमारे मन की बात है, हम किसी को। आप किसको वोट देंगे? वो तो इच्छा है, जिसका दिल करेगा उसको देंगे। किसको वोट देंगे? हम जनता की पोलिंग कर रहे हैं, बताइए किसको देंगे। ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, जब इच्छा करेगा जब देंगे।